गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास. आई एम दिव्या चौकसे. बच्चों, कल हमने एक पोएम पढ़ी थी, वन लिटिल किटन, ठीक है, जिसमें हमने काफी सारे एनिमल्स के बारे में जाना था और वह कितने कितने हैं यह जाना था पोएम में. कि अपन ने काउंटिंग करना स्टार्ट की थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से, है ना. और हम शुरू से किसमें गए थे, पहले तो वन लिटिल किटन से लेके 15 डंकी तक गए थे. तो आज हमको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं. कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रीचर आर देयर इन द पोएम. तो पहले क्रीचर का मतलब समझ लीजिए. क्रीचर का मतलब होता है जीव. इसमें एनिमल्स भी आएंगे, आपके बर्ड्स भी आएंगे, सारे जो हमने पोएम में पढ़े भी हैं उनके अलावा भी. तो देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रीचर आर देयर इन द पोएम, मतलब हमने कितने प्रकार के जीवों के बारे में पोएम में पढ़ा. तो हमने कल पढ़ा था वन से लेके, हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी, वन किटन से हमने लिया था 15 डॉगी तक. मतलब कि हमने कितने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, कितने क्रीचर के बारे में पढ़ा, 15. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, देयर आर 15 creature, 15 there are 15 kinds of creatures, kinds of creatures are there in the poem. इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहाँ पर 15 प्रकार के, 15 प्रकार के या 15 काइंड्स ऑफ क्रीचर आर देयर इन द पोएम. मतलब कि हमने कितने प्रकार के क्रीचर पढ़े पोएम में, 15 टाइप के, ठीक है, वन से लेके 15 तक. फिर देखिए, सेकंड नंबर है, आर द सील्स हैप्पी. तो सबसे पहले तो हम जान लें कि सील होता क्या है. तो सील जो है एक प्रकार की मछली है, जैसे कि वेल एक मछली है ना, वैसे ही सील भी क्या है, मछली है. तो क्या जो सील्स थी वो हैप्पी थी? तो आप ध्यान से याद करें अगर पोएम को, तो उसमें बताया है कि सील्स आर सैड. हम यहाँ पर लिखेंगे नो, The seals are sad. The seals are sad. मतलब कि वे खुश नहीं थी, वे क्या थी, sad थी. फिर देखिए, where do the fish live? मतलब कि fish जो है, आपने देखा होगा मछलियों को, तो मछली जो है वह कहाँ रहती है, घर पे रहती है या पानी में रहती है या पेड़ों में रहती है या जंगल में रहती है, कहाँ रहती है? तो आपने देखा होगा फिश जो है वो कहाँ पर रहती है, नदियों में हमको दिखाई देती है, तालाब में दिखाई देती है, एक्वेरियम में भी हम देखते हैं. मतलब कि वो बिना पानी के तो रह ही नहीं सकती है. तो हम इसमें लिख देंगे फिशेस आर इन वाटर, मतलब कि वह बिना पानी के नहीं रह सकती. सभी फिशेस लिव इन वाटर, फिशेस लिव इन वाटर, आप देख सकते हैं. फिशेस लिव इन वाटर, मतलब कि जो मछलियां हैं वह पानी में रहती हैं. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर. मतलब कि पानी में जैसे मछलियां तो रहती हैं, लेकिन मछलियों के अलावा और कौन सी चीजें हमको दिखाई देती हैं? तो देखिए, आपको और कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? तो आपको फ्रॉग कभी ना कभी दिखा ही होगा. फ्रॉग मतलब कि मेंढक, स्नेक भी दिखा होगा. फ्रॉग, स्नेक एंड प्लांट्स, है ना, प्लांट्स भी हमको कभी कभी दिखाई देते हैं. ये आपको लिख देना है. फिर देखिए, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है. देयर आर मैनी क्रीचर इन द पोएम, विच वंस हैव यू सीन. मतलब कि हमने पोएम में 15 तरीके के, 15 अलग अलग एनिमल्स के नेम जाने हैं, उनके बारे में पढ़ा है. तो आपको यह बताना है कि इनमें से कितने जो एनिमल हैं जिनको आपने देखा है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई हैव सीन. अब यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे कि आपने एलिफेंट अगर देखा हो, आप लिख देंगे एलिफेंट.
आपने कैट देखी हो तो कैट इस तरीके से आपको आपने जो जो भी देखा हो जिस जिस एनिमल को देखा जो हमने पोएम में पढ़ा है वो आपको इस तरह से आगे कंटिन्यू करना है ठीक है और फिर फुल स्टॉप कर देना है। तो जिस भी बच्चों ने जो जो जानवर देखे हैं वो इस तरह से आंसर कंप्लीट कर लें। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रीचर आर देयर इन द पोएम, मतलब कि पोएम में हमने कितने प्रकार के एनिमल्स क्रीचर्स के बारे में पढ़ा है, तो हमने कितने प्रकार के पढ़ा है 15 के। फिर है जो आर द सील सेफ्टी, मतलब जो सील एक प्रकार की मछली है वह क्या खुश थी, तो वो खुश नहीं थी, नो द सील था सैड। फिर है वेयर डिड द फिश स्लीप, मतलब कि फिश जो है मछली जो है वह कहाँ रहती है, तो मछली जो है फिश स्लीप इन वाटर, मतलब कहाँ रहती है पानी में रहती है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन था व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर, मतलब कि वाटर में हमको और कौन सी चीजें या क्रीचर दिखाई देते हैं, तो हमको फ्रॉग भी दिखाई देता है, स्नेक भी दिखाई देता है, प्लांट्स भी दिखाई देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी आप लिख सकते हैं ठीक है ना। और ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमने पोएम में जितनी भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा है क्रीचर के बारे में पढ़ा है, तो जिन्हें भी आपने देखा हो आप उनका यहाँ पर नेम लिख लेंगे। तो सभी बच्चे अपना ये